पहले ही डिसाइडेड हो गया फैसला क्या आएगा, कि फैसला क्या आएगा, वो भी कैलकुलेटेड चल रहे हैं और आप भी कैलकुलेटेड। देखिए इसके अंदर आप अंदर जाना चाहें ना इस मामले में, ये मामला बड़ा गंभीर है, मुझे कुछ इल्म है कि ये सारा मामला है क्या क्या है, नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, यकीन करें वो मुनासिब नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ स्पेकुलेशन ये है कि अगले स्टेप में आपके दो तीन वजीर, मेरे ख्याल तल्लत साहब ने इस पर शायद कोई ट्वीट भी किया, दो तीन आपके वजीर और शहबाज शरीफ साहब, वो तो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कंटेम्प्ट में, वो जाएंगे आपके वजीर आजम। ये मुझे ज्यादा आपकी ख्वाहिश लगती है, नहीं अमली तौर पर होगा ना जी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम होती है। और पार्लियामेंट ने कहा है चीफ एग्जीक्यूटिव पर आप कैसे उंगली उठाएंगे, पार्लियामेंट ने कहा है कि हम नहीं पैसे देते। ये चंद दिनों में मौका आने वाला है नोटिस सर्व होने का, जस्ट अ मैटर ऑफ नहीं नोटिस सर्व होने का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है, साथ तीन वजीर भी बुला लेंगे ना। मैं यही कह रहा हूँ, काबीना पूरी शुगर करें आप वजीर नहीं, यानी तो आप ही गए थे। मैं काबीना की काबीना की बात, अभी डार साहब आएंगे साथ, उन्होंने वजीर आजम की नौकरी खतरे में समझे संजीदगी के साथ। देखिए ये बुहरान बढ़ जाएगा, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ, आज भी ये वक्त है कि इसको मामले को निपटा लें, इसको यहीं भी ख़त्म करें और ये आपकी क्या ये हल मुमकिन नहीं था कि आप लोग आपस में बराह रास्त पीटीआई और आप इंगेज करके एक रास्ता निकाले, तो बड़ा इजी है, प्रैक्टिकल सलूशन। ये देखें ये सबसे बेहतर बात तो यही है ना, सियासी मसला है, ये बात नहीं हुई क्योंकि एक तसलसल है 6-7 साल का जिसमें जो सियासत है वो नफरत में तब्दील हो गई है। देखें गाली गलौज, अप्रैल 2022 से पहले एक सूरत हाल और थी, अब आप इंगेज करना चाहते तो आप रास्ता बना सकते, सियासत में पहल की जा सकती है, लेकिन आप पहल करने पर तैयार नहीं है। नहीं पहल आप किसको कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कई दफ़ा पहले कह चुके हैं वो भाई, तो इस तरह की गोलमोल बयान तो रोज इमरान भी देता है, उसके वो साथी सारे कहते हैं अब ठीक है उसमें, अब क्या उसमें खलूस है या नीयत में क्या कमी है, तो अल्लाह जानता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, आप एक टीम भेजते हैं उसको इंगेज करते हैं, फिर आप बाकायदा बैठ के जैसे आपने पहले किया था सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने पर, एक अमल था वो चला आगे फिर खत्म। सर मैं दो दफ़ा इन मामलों में मुलव्वस हुआ हूँ और हमने हमेशा बैड फेथ में नेगोशिएशन देखी है, वो बैड फेथ चंद दिनों में महीनों में नहीं आया, चंद घंटों में सामने आ गया।